आज का ये वीडियो यूपी बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश से प्रोज का पहला चैप्टर यूपी बोर्ड में दी एनचांटेड पूल, इसके राइटर हैं चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य जी। हो सकता है अदर बोर्ड्स में भी ये चैप्टर हो, ये यूपी बोर्ड में काफ़ी पहले से ये पार्ट है और अभी जो लेटेस्ट सिलेबस चेंज हुआ है पिछले 2 साल में उसमें भी ये पहले स्थान पर ही पहला चैप्टर ही है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी साउथ में पैदा हुए, जैसे अब आप चेन्नई जानते हैं, पहले मद्रास हुआ, इनकी शिक्षा दीक्षा हुई उसी के आसपास इनका जन्म हुआ। तमिल भाषा भाषी थे, इन्हें तमिल की भी अच्छी जानकारी थी और इंग्लिश की। राजनेता भी रहे, स्वतंत्रता के बाद बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं ये, और बाद में मंत्री वगैरह भी रहे। इन्होंने रामायण और महाभारत को भी अंग्रेजी में लिखा है, ट्रांसलेट किया है। ये जो चैप्टर है दी एनचांटेड पूल, इसके नाम से ही समझिए भी महाभारत आ रहा है, लॉकडाउन चल रहा है अभी 2 दिन, शायद कल ये एनचांटेड पूल की कहानी है, महाभारत की कहानी है ये दी एनचांटेड। एनचांटेड का अर्थ होता है भूतहा, शापित। कई बार इस तरह गांव में भी घटनाएं होती हैं, आप लोग जानते हैं, बातचीत होती है, भाई उस जगह मत जाओ, वहां पर ऐसा वैसा कुछ है, चुड़ैल है, भूत है, इस तरह का कुछ, शापित। और पूल यानी सरोवर या तालाब, जो भी समझ लें, तो एक शापित सरोवर। ये महाभारत की एक घटना है, ये कोई नई कहानी इन्होंने नहीं लिखी है, उस घटना को इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। काफी अच्छी कहानी है ये। मैं पहले कहानी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइटर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया, फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ले चलूंगा। बहुत पहले हस्तिनापुर में राजा हुए, उनके दो भाई, उनके वास्तव में 3 पुत्र थे, लेकिन 2 पुत्रों की मैं बात करता हूँ, एक धृतराष्ट्र हुए, एक पांडु हुए। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती से उन्हें 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। तो यानी पांडु कुल 5 पुत्र हुए। दूसरी ओर जो धृतराष्ट्र थे, ये जन्म से ही अंधे थे, इनके 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा दुशासन था और सबसे बड़ा दुर्योधन था और सबसे छोटा दुशासन। जैसा होता है पटीदारों में, दुर्योधन को बड़ी चिढ़ थी इन लोगों से, तो काफी छल करके द्यूत क्रीड़ा में, द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुआ, गैम्बलिंग, और हराने के बाद और भी तमाम उसमें घटनाएं हुई, लेकिन इन लोगों को वनवास, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में भेजा गया। अज्ञातवास का नियम यह था कि छिप के रहना है, अगर जासूस या सैनिक खोज लेते हैं तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 13 वर्ष का अज्ञातवास। तो ये जो घटना हुई, वन में भटक रहे हैं, 12वां वर्ष लगभग समाप्त होने को था, वन में भटकते समय 5ों पांडव यानी कि युधिष्ठिर, नाम आप लोग इसलिए जानते रहे, इसमें युधिष्ठिर पात्र अधिक महत्वपूर्ण है, बाकी भाइयों का भी नाम आएगा, आप लोगों को परीक्षा में क्वेश्चन भी आएंगे तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और इनकी पत्नी द्रौपदी, ये वन में भटक रहे थे। द्रौपदी भी थक जाती हैं, काटे वटे लग जाते हैं और प्यास लगती है, तो पानी मांगती हैं। तो पानी की खोज में, पानी की खोज कैसे लोग करेंगे भाई वन में, सामान्य सा एक नियम है कि जिधर पक्षी बोल रहे हों, जिधर से आवाजें आ रही हैं, उधर पानी के आसपास रहते जीव जंतु। तो सबसे छोटे भाई पहले सहदेव। अब ये आजकल का युग नहीं है, आजकल तो अगर बड़ा भाई कुछ मांग ले, छोटा भाई तो पहले देने को तैयार ही नहीं होगा। पहले ये मर्यादा थी कि अगर कोई काम है तो सबसे पहले छोटा वाला करेगा, फिर उससे। वहां एक एक करके सभी लोग जाते हैं और कोई वापस नहीं आता, और युधिष्ठिर बड़े होने के नाते सबसे अंत तक बचे रहते हैं, तो ये बड़े परेशान होते हैं। यहां से कहानी का प्रारंभ होता है आपकी पुस्तक में, कि अब युधिष्ठिर भी अपने भाइयों को खोजने जाते हैं। कारण कई कि इनके सारे भाई महावीर तो और लौट के नहीं आ रहे, एक एक कर चले जा रहे हैं धीरे धीरे। तो युधिष्ठिर को एक तो चिंता ये कि सारे भाई गए कहां, वो वापस आए कि नहीं, और दूसरी समस्या जो बड़ी प्राकृतिक थी, नेचुरल थी, कि भाई प्यास बर्दाश्त तो नहीं हो रही थी, वो सहन शक्ति से बाहर। तो वहां ये घटना घटती है उस सरोवर में। उस सरोवर के पास एक यक्ष रहते, यक्ष वास्तव में भेष बदल कर आते हैं, डिस्गाइज्ड एज एन यक्ष, ही वाज एक्चुअली यम, द लॉर्ड ऑफ डेथ। वास्तव में वो यमराज स्वयं होते हैं, मृत्यु के देवता जो माने जाते हैं। वो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म के बड़े
पुजारी थे, धर्म को मानने वाले थे, नीति पर चलते थे। और यमराज को भी धर्मराज कहा जाता है, क्योंकि यमराज किसी के साथ कोई भेदभाव अन्याय नहीं करते, मरने के बाद सभी लोग एक बराबर यमराज के दृष्टिकोण में। तो आइए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, लाइन बाय लाइन देखना शुरू करते हैं। ये जब वहां युधिष्ठिर पहुंचते हैं वहां पर सरोवर के पास, तो उस जगह पर होता यह है कि पूछते पूछते आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सारे भाई वहां मरे पड़े हैं। ये घटना वो जंगल के रास्ते से ऊपर सरोवर, सरोवर बड़ा सुंदर, बिल्कुल स्वच्छ पानी जल से भरा हुआ सरोवर है, क्लीन वाटर, चारों ओर हरे भरे वॉटर बाई एन ओवर पारिंग थ्रस्ट एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म। अब जैसे ही उन्होंने माइटी लिम्स, लिम्स यानी अंग प्रत्यंग, माइटी यानी शक्तिशाली, विशाल का है, उनके शक्तिशाली अंग प्रत्यंगों को देखा, वो बिल्कुल हेल्पलेस, असहाय से पड़े हुए थे, गिरे पड़े थे। ही सैडली वंडर्ड, उदास तो थे, निराश तो थे कि भाई सारे भाइयों के शव पड़े हुए, लेकिन वो वंडर्ड यानी लगे विचार करने, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है कि इन्हें मार दिया, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, इतना शक्तिशाली कौन हो गया कि जो इन भाइयों को मार दिया। देन लेकिन फिर भी ही टू डिसेंडेड इन टू पूल, वो भी उस सरोवर में डिसेंडेड यानी उतरने लगे या उतर गए, ड्रॉन टू द वॉटर बाई एन ओवर पारिंग थर्स्ट, पानी की ओर ड्रॉन यानी खींचे चले गए, ओवर पारिंग थर्स्ट, एक प्यास जो उनके ऊपर बिल्कुल हावी हो गई थी, जिनने प्यास ने उन्हें जीत लिया था, इसलिए भाइयों की मृत्यु को देखते हुए भी प्यास को बर्दाश्त, भूख प्यास, देखिए आप लोग की कोई मर जाए कोई जी जाए ये चीजें रुकने वाली है नहीं, तो वो उतरे और जैसे ही उतरे, एडवांस द वॉइस विदाउट फॉर्म वॉन्ड, तुरंत एडवांस यानी तुरंत तत्काल, अ वॉइस विदाउट फॉर्म वॉन्ड, बिना फॉर्म के, बिना किसी रूप के, बिना किसी शरीर के, एक ध्वनि आई, एक आवाज आई और वॉन्ड यानी चेतावनी दी, क्या चेतावनी दी, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माय वर्ड्स, तुम्हारे भाई मरे बिकॉज दे डिड नॉट हीड माय वर्ड्स, हीड यानी ध्यान न देना, मानना नहीं, मेरी बातों को नहीं माने इसलिए तुम्हारे भाई मरे। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने जल पीने का प्रयास किया बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो देम, उनके रास्ते पर तो मत चलो, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच यानी बुझाना मिटाना, थर्स्ट यानी प्यास, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब अपनी प्यास को बुझा सकते हो, आंसर माय क्वेश्चंस फर्स्ट देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, द पूल बिलोंग्स टू मी, और अंतिम लाइन में उसने चेतावनी दी कि ये सरोवर मेरा है, बिलोंग्स टू मी। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर कुड बी नो अदर देन द वर्ड ऑफ अ यक्ष, एक क्षण भी नहीं, एक मोमेंट, एक क्षण भी नहीं लगा टू अंडरस्टैंड, ये समझने में युधिष्ठिर की कि ये जो शब्द है, ये जो ध्वनि है, ये जो आवाज आ रही है, ये यक्ष के अलावे किसी की हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उस सरोवर में या इस वन में सरोवर है और वहां यक्ष रहता है। एंड गेस्ट, और ये अनुमान लगा लिया व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि भाइयों के साथ हुआ क्या था, ये भी अनुमान, ये भी अनुमान उन्हें तुरंत लग गया। It took him no time to see a possible way, और बिल्कुल समय नहीं लगा उन्हें एक संभव रास्ता दिखने लगा, और bringing them back to life, कि उन्हें वापस जीवन में लाया जाए, bringing them back to life,
उन्हें वापस जीवन में लाने के लिए पुनर्जीवित करने का एक मार्ग उन्हें दिखने लगा। He said to the bodiless voice, bodiless voice यानी वो आवाज, वो ध्वनि जिसका कोई शरीर नहीं था, कोई बॉडी नहीं थी, कोई देह नहीं था, उससे कहा उन्होंने, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को आप पूछिए, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, और वो जो ध्वनि थी जो आ रही थी, रैपिडली वन आफ्टर अनदर यानी जल्दी जल्दी एक के बाद दूसरा प्रश्न करना उस वॉइस ने शुरू किया। वॉट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, अगर मनुष्य किसी मुसीबत में, किसी खतरे में, किसी विपत्ति में फंस जाए तो रेस्क्यूज यानी उसकी रक्षा करना, उसे बचाता कौन है, विपत्ति के समय मनुष्य की रक्षा कौन करता है, और उत्तर आता है तुरंत करेज, साहस, हिम्मत। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, दूसरा क्वेश्चन तुरंत पूछता है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, कौन सी विद्या पढ़कर मैन बिकम्स वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बनता है, मनुष्य विद्वान बनता है, कौन सी ऐसी विद्या है जिसे पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। नॉट, अब उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़कर, शास्त्र यानी प्राचीन काल में विद्याओं को शास्त्र कहा जाता था, तो किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता, ये युधिष्ठिर कह रहे हैं। हम सभी को यह लगता है कोई विद्या पढ़ के आदमी विद्वान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, सॉरी बुद्धिमान, वाइज, तो युधिष्ठिर तुरंत ना करते। इन इस पाठ में सबसे बड़ी सुंदर बात यह है कि आपको जीवन से जुड़ी बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न और बड़े अच्छे अच्छे उसके उत्तर मिलते हैं आपको। कहते हैं कि भाई किसी शास्त्र को पढ़कर कोई आदमी बुद्धिमान नहीं बन सकता, इट इज बाय द एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, बुद्धिमानी प्राप्त करने के लिए आपको जो बुद्धिमान लोग हैं उनके साथ रहना, एसोसिएशन यानी उनके साथ रहना, उनका संसर्ग करना, तो धीरे धीरे गेट्स विजडम, बुद्धिमानी प्राप्त होती है। बुद्धिमानी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इकट्ठा गए बोरा भर के उठा लाए, आप बुद्धिमान लोगों के संगत में रहेंगे तो धीरे धीरे आप बुद्धिमानी प्राप्त करेंगे। शास्त्रों को पढ़कर आप बुद्धिमान नहीं हो सकते, और इसका उदाहरण हमारे शास्त्रों में ये कहावत थी, आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी कि वो चार लोग विद्या प्राप्त करते हैं और वापसी में आते समय एक शेर का कंकाल दिखता है, तो उसमें विद्वान थे चार के चारों, तो पहला कहता है यार अपनी विद्या को चलो हम प्रयोग करके देख लें, एक कहता है मैं भाई इस कंकाल को जोड़ सकता हूँ, उसने मंत्र पढ़ा कंकाल जुड़ गया, दूसरे ने कहा कि भाई अब सबने कहा रही है तो शेर का कंकाल दिखता है, फिर दूसरे ने कहा कि मैं इस पर मांस और चमड़ी चढ़ा सकता हूँ, उसने वैसा चढ़ा दिया, तीसरे ने कहा मुझे तो प्राण फूंकने की विद्या आती है, मैं तो प्राण फूंक सकता हूँ, ये जीवित हो सकता है, चौथा जो था छात्र उसने कहा भैया मत मत जीवित करो, वन है शेर है ये, जीवित होगा हमें खा जाएगा, तो दोनों ने कहा भाई हम तो अपनी अपनी विद्या का प्रयोग कर लिए, देख लिया हमने, सीखा है, सब ठीक है, तीसरा बोला तुम मुझे रोकना चाहते हो मैं अपनी विद्या का प्रयोग ना करूं, उसने कहा अच्छा भैया करो दो मिनट का समय दे दो, वो दौड़ कर गया पास ही एक नजदीक पेड़ पे चढ़ गया। अब तीसरे छात्र ने जैसे ही मंत्र पढ़ के प्राण फूंके शेर अंगड़ाई लेकर उठा और सामने देखा कि तीन सुंदर कोमल छात्र और मार के खा गया। तो भाई शास्त्रों को पढ़ के भी लोग मूर्ख हो सकते हैं, विद्या से बुद्धिमानी का कोई लेना देना नहीं, बुद्धिमानी का तरीका देखिए युधिष्ठिर ने बताया कि आप बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे। फिर द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टियर देन द विंड, स्विफ्टियर, स्विफ्ट का कॉम्परेटिव डिग्री, स्विफ्टियर यानी थोड़ा और तेज, हवा से भी ज्यादा तेज क्या है, उत्तर आता है माइंड, माइंड यानी मन, मन हवा से भी तेज चलता है, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। फिर प्रश्न आता है व्हाट इज मोर फेटेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखा हुआ घास का तिनका, इससे भी कमजोर, फेडेड मतलब इससे भी कमजोर क्या होता है, उत्तर आता है असोरो स्ट्राइकन हार्ट, हृदय इसमें चोट लगी जिसे कोई दुख हो वो हृदय एक तिनके से भी कमजोर होता है क्योंकि बड़ी जल्दी टूट जाता है, बड़ी जल्दी चोटिल हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रैवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है, जो यात्रा करता है घर छोड़कर अपना देश छोड़कर उसका मित्र कौन होता है, तो उत्तर आता है लर्निंग, ज्ञान, उसने जो सीखा है जो शिक्षा प्राप्त की है वही उसके साथ रहेगी हमेशा एक यात्री के रूप में। अगला प्रश्न आता है हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, और अगर कोई व्यक्ति घर पर है तो उसका मित्र कौन है, तो उत्तर आता है द वाइफ यानी उसकी पत्नी उसकी मित्र है। देखिए पत्नी को कितना बड़ा अधिकार प्राप्त है हमारी प्राचीन संस्कृति में। फिर उत्तर आता है हु अकंपनीज अ मैन इन डेथ,
अब ये कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ कौन जाता है, कंपनी से यानी साथ देना। माना जाता है भाई ये घर बार सारी सुख सुविधाएं आप बहुत गाड़ी मोटर धन संपत्ति सब बना लें और ये आपको पता है कि कुछ भी साथ नहीं जाना है, आप जला दिए जाएंगे तो एक छोटे से मटके में राख बन जाएंगे, जलने में कितना कष्ट होता है, आप जीते जी थोड़ा सा जले हैं आपको पता है, लेकिन मृत्यु के बाद सत्य यही कि आप जलाए जाएंगे, नहीं जलाए जाएंगे भाई तो दफना दिए जाएंगे, दफनाने के बाद और भी कम दुर्गति नहीं है। आपको पता है कि कीड़े ये लंबे लंबे बड़े बड़े कीड़े चाल के खा जाएंगे और इतनी बड़ी दुर्गति है कि आप किसी जानवर को मरे हुए देखते हैं कितनी बुरी दुर्गंध आती है, कितना ज्यादा उससे प्रदूषण भी होता है। तो दुर्गति इस ह्यूमन बॉडी की होनी ही होनी। अगर स्वर्ग कहीं है, पहले यह माना जाता था स्वर्ग है, अब भी कई लोग मानते हैं भाई पता नहीं, लेकिन अब तो लोग चालाक हो गए, स्वर्ग नरक में ज्यादा विश्वास करते नहीं, लेकिन मूर्खों के लिए क्या कहा जाए अगर मान लो है भी कहीं, तो कहते हैं मृत्यु के बाद जाएगा क्या आपके साथ, तो उसके बाद उत्तर आता है धर्म। अब धर्म का मतलब आप ये ना समझिए ये हिंदू धर्म इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म या क्रिश्चियन धर्म, धर्म का मतलब ये है जो कर्म आपने किया है, जिसे आपने जीवन भर धारण किया है, आपने जीवन भर जैसा जीवन जिया है वो धर्म, वो आपके साथ जाता है। क्यों? क्योंकि दैट अलोन अकंपनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी ऑफ डेथ। सॉलिटरी जर्नी, एकाकी यात्रा प्रारंभ होगी अकेले, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा अकेले होती है, कोई भाई बहन माता पिता पुत्र पुत्री धन संपत्ति घर बार गाड़ी मोटर सब साथ छूट जाता है, अकेले आपके आत्मा की यात्रा शुरू होती है और उस आत्मा के साथ केवल आपके किए गए कार्य आपके जीवन में जो आपने किया जैसा जीवन जिया वो साथ जाता है, धर्म साथ जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है, तो उत्तर आता है दी अर्थ, ये धरती माँ, विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, सब कुछ तो इसी धरती से ही हमें प्राप्त होता है इसलिए ये सबसे बड़ा पात्र है। आप सोच कर देखिए आपको जितनी वस्तुएं प्राप्त होती है इसी धरती से। फिर अगला प्रश्न आता है व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है, उसका उत्तर आता है हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कॉन्डक्ट। हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता ये है गुड कॉन्डक्ट, जब आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसी से प्रसन्नता आती है। आप अनुभव करके देखिए अगर आप मानसिक रूप से ठीक हैं तो, अगर आप मानसिक रूप से पीड़ित हैं आतंकवादी हैं चोर हैं हत्यारे हैं बलात्कारी हैं तो अलग चीज है, नहीं तो आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपको प्रसन्नता मिलती है। अब कोई मानसिक रोगी है आतंकवादी चोर हत्यारा बलात्कारी है तो उसकी बातें नहीं की, तो प्रसन्नता उसी से मिलेगी आपके अच्छे व्यवहार से। फिर पूछते हैं व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, क्या ऐसी चीज है जिसको मनुष्य गिवन अप, गिव अप मतलब होता है त्याग देना छोड़ देना, क्या ऐसी चीज है ऐसी वस्तु कौन सी जिसे त्याग देने के बाद मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है सभी लोग उसे प्रेम करने लगते हैं, ऐसा क्या है? तो उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, प्राइड, अहंकार, अहंकार। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, यदि आप अहंकार त्याग दें तो आपको सभी लोग प्रेम करने लगते हैं। फिर कहते हैं व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, कौन सा ऐसा नुकसान है, कौन सी ऐसी क्षति है, कौन सी ऐसी चीज है जो खो जाए तो आपको यील्ड्स यानी मिलती है प्रसन्नता नॉट सॉरो, दुख नहीं। आपको पता है कोई भी चीज खो जाए तो दुख होता है। पूछ रहे कौन सी ऐसी चीज है जिसके खोने पर जिसके नष्ट हो जाने पर जिसके खत्म हो जाने पर समाप्त हो जाने पर प्रसन्नता मिलती है दुख की जगह, तो देखिए कितना अच्छा उत्तर देते हैं एंगर, क्रोध। क्यों भाई? इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, अगर भाई हम एंग्री होना छोड़ दें क्रोध पर हम विजय प्राप्त कर दें क्रोध हम अपना खो दें तो हमें सॉरो यानी दुख से हम पीड़ित नहीं हो सकते। और फिर कहते हैं व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे गिव अप त्याग देने से मैन बिकम्स रिच, मैन समृद्ध हो जाता है मनुष्य समृद्ध हो जाता है धनी हो जाता है, कौन सी ऐसी वस्तु है कि जिसे त्यागने से मनुष्य धनी, तो उसमें उत्तर फिर आता है बड़ा अच्छा डिजायर, डिजायर यानी इच्छा। आप इच्छा ही ना करें, जो ही आप इच्छाएं कम करते हैं तो ही आप अपने आप को समृद्ध महसूस करने लगते हैं अनुभव करने लगते हैं। यही देखिए लॉकडाउन, इच्छाएं जिनकी सीमित है उन्हें बड़ी समस्याएं नहीं है, जिनकी इच्छाएं असीमित है कि भैया ये पिज्जा खा लें ये बर्गर खा लें और ये बर्थडे पार्टी कर लें विवाह का हम वो सालगिरह मना लें, देश भर का जिनकी नाटक है जिनकी इच्छाएं असीमित है वही परेशान है। आम आदमी तो पड़ा है, मैं भी घर में पड़ा हूँ, देख तो रहे ना ये बाल, देख रहे ना ऐसे ही है, कंघी किए तो 4-6 दिन हो जाते हैं बाल नहीं बने महीने से, एक ही शर्ट पहन लेता हूँ रोज इसी तरह क्लास ले लेता हूँ। इच्छाएं सीमित करने से आपको वास्तव में प्रसन्नता मिलती है लेकिन यार खतरा है,
लोग पागल समझते हैं, मुझे तो कम से कम समझते हैं, और कोई समझे ना समझे, आपको ये गोपनीय बात बता रहा हूँ, मेरी पत्नी और सारे संबंधी ऐसा मानते हैं कि मैं पागल हूँ, हालांकि अभी डॉक्टरों ने ऐसा कहा है। खैर तो चलिए भाई, कहते हैं कि डिज़ायर इच्छा का यदि आप त्याग कर देते हैं तो आप तुरंत अपने आप को समृद्ध अनुभव करने लगते हैं। तो आज का वीडियो बस 20 मिनट से अधिक हो गया, यहाँ तक रखते हैं, इस चैप्टर का आधा पार्ट रह गया और इसे अब हम अगले वीडियो में अगले क्लास में देखते हैं। धन्यवाद आप लोगों का, अपने दोस्तों को मित्रों को छोटे भाई बहनों को सभी को बताएं जो भी हों जिन्हें हाई स्कूल यूपी बोर्ड का सिलेबस अभी मैंने प्रारंभ किया है, बाकी जैसा होगा आप कमेंट करते जाएंगे चैनल पर तो उस हिसाब से और बाकी चीज़ें आती जाएंगी।